एमपी समेत 5 राज्यों में घर से वोट डाल सकेंगे बुजुर्ग दिव्यांग, पूरे प्रोसेस की जाएगी वीडियोग्राफी। एमपी में चुनाव से पहले बिजली कर्मचारियों ने 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। विधानसभा चुनाव से पहले सतना की जनता को मिली सौगात, विश्व स्तरीय बनेगा रेलवे स्टेशन, रेल मंत्री ने वर्चुअली शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 29 उम्मीदवारों की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय के सामने अनुराग यादव को उतारा। एमपी चुनाव से पहले सरकार ने 17 आईपीएस ऑफिसरों का किया ट्रांसफर। भारतीय क्रिकेट टीम एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, क्वार्टर फाइनल में नेपाल को 23 रन से हराया। सतना शहर के बाहरी छोर से होकर बहने वाली बाण सागर की लोबरपुरवा नहर में डूबने से हुई 2 दोस्तों की मौत। पीएम मोदी ने ग्वालियर से सुमावली तक चलने वाली ब्रॉडगेज ट्रेन को सोमवार को हरी झंडी दिखाई। विधानसभा क्षेत्र सीधी के विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ल निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। शुक्ल ने कहा, मैं सीधी विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में रहूंगा। शादी के बहाने दिल्ली से सतना बुलाकर दोस्त ने दोस्त का ही कर लिया अपहरण। ट्रेन से उतरते ही अगवा कर लिए दोस्त की सकुशल रिहाई के लिए उसके पिता से फिरौती भी वसूली। ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।